Hello everybody, I'm Krishna Abhishek and you're watching The Kapil Sharma Show. Subscribe to Live Comedy and hit the bell icon. Varun, सारा ही है. हाँ सारा ही है सर. सारा का सारा सारा है. सारा का सारा. आधी हो गई. हाँ अब हरकतों से लग रहा है कि सारा ही है. सारा ये मतलब अच्छी बात है. मास्क पहनना चाहिए. हम लोग घर से पहन के आते हैं लेकिन शूटिंग से पहले उतारते हैं. हमारी सारी टीम का कोविड टेस्ट हो चुका है और आप उतार सकती है मास्क. नहीं 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 आप पे मुझे भरोसा है. वरुण पे भरोसा नहीं है. चार लड़कियां पहले भी घुमा चुका बोल के कि सारा मुंह पे मास्क लगा के ना. तो हम लोग कंफर्म करना चाहते हैं. आर यू रियल सारा खान? और यस कोई हरकत करके बताओ हमें आइडिया हो जाए कि हाँ चिल्ला सारा या हंस के. सारा ही है. जोरदार तालियां सारा के लिए. मैं निकाल मुबारक हो. सारा ही है. हम ही है. इतने लड़के मरते इस पे बाजी. किस पे? तो आप पे. रियली? हाँ मैं इनके साथ काम कर रहा था तो मुझे आयुष्मान कार्तिक विक्की कौशल रणबीर कपूर सब ने मैसेज किया था. क्या? अच्छा क्या बोल रहे? कि बच के रहना. पर आप दोनों की जोड़ी इतनी हिट लग रही है और हमने ट्रेलर देखा. इतना कलरफुल ट्रेलर है. बहुत बहुत मुबारक आपको. आपकी फिल्म तो हिट ही है. बट आप इसके पहले जो बात कर रहे थे नंबर वन के बारे में, मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ आपसे स्पेशली कि नंबर वन सच में द कपिल शर्मा शो है. थैंक यू ब्रो. क्योंकि लॉकडाउन के वक्त बहुत लोगों की हिम्मत टूट गई थी. बहुत लोग निराश हो गए थे. दैट गिवन अप होप यू नो. क्योंकि कोई एंटरटेनमेंट नहीं था कहीं पे भी दुनिया भर में. एंड जेन्युइनली जब ये शो वापस टीवी पे आया मैंने आपको मैसेज भी किया था. मैं इतना खुश हुआ था देख के. जस्ट टू लाफ अगेन यू नो दैट फीलिंग. एंड देयर इज नो वन बेटर देन कपिल एंड आपकी टीम. हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू. और आप जब इतने प्यारे प्यारे शब्द हमारे लिए इस्तेमाल करते हैं और एनकरेजमेंट मिलती है. लेकिन क्रेडिट गोज टू अर्चना जी शुरू करवाने में. तो थैंक यू बोल मुझे फिर. तेरा शो मैंने शुरू करवाया. थैंक यू बोल. मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ. आपको आपकी गाड़ी पर कपड़ा मारता हूँ और क्या करूँ मैं. थैंक यू आपको बोलूँ. आज सच बोला इसने. आइए विराजमान हो जाइए जहाँ पे आपका मन करता है. सोफे बहुत है हमारे पास. एक एक्स्ट्रा रखा हमने. देखो आप कुली नंबर वन जो पहली आई थी 1995 में आई थी. ये हम पैदा हुए थे. ये हम कौन हुए थे? मतलब एक साथ इकट्ठे नहीं पैदा हुए थे हम लोग. अकेले हम. अच्छा मैं भूल जाता हूँ इस नवाब भी है ना थोड़े थोड़े. हम मैं पैदा हुई थी. मुझे लगा शायद और दो लोग आए. नाइस ना. हम नहीं. नाइस अच्छा लगता है. हम जब पैदा. तो जब 1995 में फिल्म आई. वरुण आप तो बहुत छोटे होंगे उस समय. वो भी पैदा ही हुए. नहीं मैं पैदा नहीं हुआ था. मैं 87 में पैदा हुआ था. 87 में पैदा हुआ था. तो आप सेट पे जाते थे कुली नंबर वन? नहीं नहीं कभी नहीं गए. मैं सच बोल रहा हूँ. जब भी चिची भैया और डैड साथ में काम करते थे तो मुझे डिफरेंस नहीं पता चलता था काम के बीच में और मस्ती के बीच में. राइट क्योंकि पहले तो वो इतने रंगीन मिजाज के इंसान है. राइट एंड देन दिस कादर खान दिस शक्ति कपूर तो इनका जो बिहेवियर होता है तो नॉर्मली ऐसा लग रहा है कि कोई मस्ती बोला देन नॉर्मल नहीं है ना ये बिहेवियर. राइट सो वो लोग जैसे बिहेव करते. एंड आई रिमेंबर चिची भैया वॉक यू नो जस्ट वो चश्मे पहनते थे राउंड वाले एंड ही वुड जस्ट वॉक लाइक दैट. एंड उनका बॉय होता था जगदीश. जगदीश और स्टील के ग्लास में वो पानी पीते थे जल पीते थे और फिर बैठ जाते थे और कंपटीशन दे रहा है मुझे जल. और इधर ऐसे जमीन पे बैठते थे और सीन पढ़ते थे ऐसे. हाँ डेविड हाँ कर लो यार. हाँ तू कमा लो. हाँ ऐसा ऐसा कर लो. हाँ यार ऐसा 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 करते रहते थे दोनों. तो मुझे समझ में नहीं आता. कुछ कम्युनिकेशन भी नहीं हो रहा था. जैसे मेंटल टेलीपैथी होता है ना. हाँ ठीक है टेक चल डेविड टेक. अच्छा लगा. तो वो जो एक कलाकार की जो कमांड है या एक ऑरा. ही हैड दैट ऑरा अराउंड हिम यू नो. पर तब कभी आपके दिमाग में तो नहीं आया होगा कि ये फिल्म एक दिन मैं भी करूंगा वापस. नहीं कभी. दोबारा इसका रीमेक होगा और नो नेवर. इस बार भी मतलब आप हो सारा हो और बाकी जो सपोर्टिंग कास्ट में भी हैं परेश जी हैं जॉनी भाई जावेद सर हैं. मतलब कमाल की कास्ट है. क्या बात है. बहुत मजा आने वाला है लोगों को. अच्छा सारा ने इस साल लव आजकल भी की और उसके बाद कुली नंबर वन. तो टोटल कितनी रीमेक की डील हुई आपकी डायरेक्टर्स के साथ? क्या बोले बस इतनी. बहुत गुन्नी एक्ट्रेस है. पता नहीं कितनी फिल्में साइड. अभी मुंह से निकल भी गया था बैक स्टेज कि अभी एक और फिल्म है ना जो मैं तो अभी नहीं बोल. मत बोलो. नहीं नहीं अभी नहीं बोलते. पर शूटिंग कर रही हो अभी तो बोल सकती हो. नहीं 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 बोल सकते. अभी तो आनंद राय सर के साथ शूटिंग कर रही हो. वो तो पता ही है. पर लोगों को थोड़ी ना पता चला कि आनंद राय की सर शूटिंग कर रहे हैं साथ में धनुष है. ऐसे किसी को थोड़ी ना पता चलेगा. अक्षय कुमार भी है ऐसे थोड़ी ना पता. किसी को क्या पता चलेगा. आप लोगों ने बोल दिया सबको.
मैं छुप छुप के जाती थी शूट पर, किसी को पता नहीं था। एडल्ट फिल्म है। मतलब छुप छुप के? पर वैसे छुप छुप के क्यों जाती थी शूट करने? यही मास्क की प्रॉब्लम, यही ना? जी, यही इस वजह से। अच्छा। तो जो धनुष के साथ शूटिंग की वो हेलमेट पहन के की थी उसने? अच्छा, आप दोनों की पहली फिल्म है वरुण? आप मतलब सारा के साथ? हाँ जी। हाँ, सारा के साथ पहली फिल्म है। तो आप बचपन से जानते थे इनको, बड़े होकर मिले हो या बचपन से नजर जिंदगी में? नहीं, बताओ 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 सबको। एक बहुत ही फनी इंसिडेंट है। स्टूडेंट ऑफ द ईयर मैंने रिलीज हो गई थी और आई हैड गॉन टू द जिम। तब एक बच्ची लिटरली चश्मे पहन के भाग रही थी इधर से उधर फोन पे। तो मैं लिफ्ट के अंदर जा रहा था, ये बच्ची लिफ्ट से बाहर निकली। बच्ची बच्ची मत बोलो मतलब। तो मैं अंदर चला गया चुकी थी। और जो ये बच्ची थी ये घूम के वापस अंदर आ गई लिफ्ट में और फोन किया किसी को। और फिर मुझे घूर रही थी, हंस रही थी, पता नहीं क्या कर रही थी। मैंने नंबर और मैं सोचा कि ये लिफ्ट में किससे बात कर रही है फोन पे, क्योंकि नेटवर्क तो होता नहीं है लिफ्ट में। You know, I'm yeah, I'm doing this and all that stuff. Yeah, I know. Yeah, dude. Oh, yeah, really. I'm very busy. So क्या हुआ? फिर मैं निकला वहाँ से और मैं चल के गया अंदर and फिर ये पीछे पीछे आई और फिर कुछ बोली नहीं। करने लगी बट कुछ बोली नहीं। और ये बच्ची सारा ही थी। किसको फोन कर रही थी आप? हाँ, किसी को नहीं फोन कर रही थी। कुछ एक्टिविटी चाहिए होता है ना, मतलब किसी को घूर रहे हो, स्टॉक कर रहे हो लिफ्ट में, इधर उधर कुछ तो करो। ऐसे बहुत ईमानदार है। At that time you, how old were you? मैं होगा कुछ 23 का। आसो तो 10 साल छोटी है तो 8-9 साल। 15 यहाँ नहीं, मुझे पता है अभी कैसे लगा। इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ, बच्ची बच्ची क्यों बोल रहा है? जब हीरोज की उम्र हो जाती है फिर वो लोग आधे से कम उम्र वाले हीरोइंस के साथ काम करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है अभी। आप हमारे यंगेस्ट हीरो हैं। अरे हम कौन हैं यार? आप मेरे यंगेस्ट हीरो। हम सारा फिल्म में वरुण कुली बने हैं। हाँ जी। तो जब आप ट्रैवल वेवल करते थे साथ में, हाँ जी, तो आपको कुली की जरूरत पड़ती थी या वरुण काफी था? वरुण हमेशा काफी उठाते थे आपका सामान। हाँ, हमें भी उठा देते सामान का। तो ठीक था। ये मामले में वरुण बहुत अच्छा है, बहुत डिसेंट बच्चा है। बहुत ही। आपने देखा ना कैसे मुझे गोद पे बिठा कर लिया। हाँ। वरुण फिल्म में तो आप सामान उठा रहे हो, सही सही बताना। हाँ, अभी आप सुपरस्टार हो, घर पे कभी सिलेंडर उठा के इधर उधर रखा है? पाजी लेने गए हो? मैं घर में मेरी कोई इज्जत नहीं है पहले तो, मतलब मेरे को जिस तरीके से जेन्युइनली, मतलब इसके बहुत मैसेजेस आते हैं मुझे, अरे गाना दिखा दो या घर ये दिखा दो, प्लीज फिल्म ये भेज दो, ये करा बर, दो। नहीं, मेरी कोई सुनता ही नहीं है। स्पेशली मेरा जो भाई है वो मुझे बहुत इल ट्रीट करता है। मतलब अगर कुछ भी काम चल रहा है फिल्म का, मतलब भैया आई वांट टू सी, अरे गेट आउट, डोंट वांट योर सजेशंस, मेरे को निकाल देते हैं। डायरेक्टर वाला फील होगा ना, मैं भी डायरेक्टर हूं। अरे बट मैं बेवकूफ थोड़ी हूं, मैंने भी तो काम। और फिर वो दोनों गैंग अप कर लेते हैं, डैड और भैया रोहित, दे गैंग अप ऑन मी कि तुम्हें कोई समझ नहीं है, कैसे फिल्म करते हो तुम, अभी एक दो चली नहीं ना तो। तो मम्मी को कंट्रोल में रखो ना। मम्मी अच्छी है, मम्मी है जो दोनों डायरेक्टर पे छा जाएंगी। मम्मी बहुत अच्छी है, मम्मी को जो इमोशनल फिल्म्स है वो सब बड़ा अच्छा लगता है। जैसे मैंने जब बदलापुर किया था या अक्टूबर किया था, मम्मी बड़ी खुश होती है वो सबसे। बड़ी कमाल की फिल्म थी बदलापुर एक्चुअली। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा क्योंकि अर्चना जी पूछ रही थी वरुण से पूछना कभी इसने सामान उठाया कि नहीं, क्योंकि ये सामान उठाया, ये अपना सारा सामान परमीत सर से उठवाती है और अगर बेचारे कहीं मना कर देना उनको यहाँ से उठाती है, पटकू क्या? वो आदमी वैसे घबरा जाता है क्योंकि उठाने में तो नंबर वन है ये, बड़े लंबे चौड़े आदमी उन्होंने उठा के पता नहीं कहाँ गायब कर दिए, जो आज तक किसी से नहीं उठे। पाजी मेरा जो कैरेक्टर है ना ये राजू, तो उसकी एक ही तमन्ना है जिंदगी में कि वो शादी करे किसी से। अच्छा। किसी से भी शादी करने के लिए तैयार है पर उसको कोई मिल रही नहीं है। बट आप स्पेशली ये शो पे आप शादी से डराते क्यों इतने लोगों को? हाँ। नहीं नहीं, मैं नहीं डराता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है, एक आध एक्सपीरियंस होता है खराब। क्या करूं मेरे को वो भी पूछती कभी कभी, अभी मेरे को भारती बता रही थी नोरा फतेह तुम्हारे सेट पे आई थी, तो मैं क्या करें, नहीं नहीं तुम उसके साथ डांस करे, तो मैं नहीं करूँ, अगरबत्ती चला के बैठ जाऊँ, वही इसी बात के तो पैसे मिलते हैं, तो ये सिर्फ ऑन स्क्रीन करता रहता हूँ, बाकी तो क्या है मतलब, बाकी तो मन में यही इच्छाएं सारी। अच्छा, अभी सारा ने रोहित सर की फिल्म की, रोहित शेट्टी की,
तो वो भी फिल्म बड़े लाइट मूड वाली थी, है ना, हंसी मजाक था। अभी डेविड सर की फिल्में करी, तो आपको कॉमेडी फिल्में बहुत पसंद है? बहुत पसंद है। और कॉमेडी शो करने वाले लोग भी? बहुत ज्यादा पसंद है। थैंक यू। हम लोग ऐसे ही इम्यूनिटी बढ़ाते रहते हैं और तो कोई है नहीं, मतलब बहुत अच्छा लगता है लोगों को हंसाना। मुझे लगता है इज द बेस्ट थिंग एनीबॉडी कैन डू एक्चुअली। जी, चाहे वो आप हो, चाहे वो वरुण हो, चाहे वो डेविड सर हो, जो भी इंसान, स्पेशली इस समय में, राइट, और इस समय का मतलब सिर्फ कोरोना नहीं है, क्रिसमस टाइम है, पॉजिटिव टाइम है, right. लेकिन कोरोना भी है, right. तो ऐसे समय में स्पेशली मुझे लगता है कि अगर आप किसी को हंसा सकते हो तो आपसे बेहतर कोई नहीं। वाओ, इट्स द नंबर वन थिंग टू मेक समवन लाफ। थैंक यू सारा। अच्छा, मैं जब पहली बार सारा को मिला तो मैंने कहा ये इतनी शरारती लड़की है, क्योंकि मैं आपको दिल से बता रहा हूँ, बहुत बार ऐसा होता है, बहुत सारी हीरोइंस आती हैं तो फिल्मों में तो वो काम करती हैं लेकिन ना अदरवाइज थोड़ा नर्वस होती हैं कई बार, लेकिन ये पहले एपिसोड में ऐसा फैली है ना सारा, मुझे लगा यार इतनी कॉन्फिडेंट लड़की, और फिर सडनली आज दूसरे एपिसोड में इतनी अच्छी अच्छी और गुणी ज्ञान वर्धक बातें आपने जो की हैं। हाँ जी, वाओ, मैं संभल गई हूँ। संभल गई है ना। हाँ, मम्मी के साथ रह करना लॉकडाउन। लेकिन वरुण मुझे हमेशा बोलते थे कि थोड़ा रिलैक्स, इतना चिल्लाती क्यों है ये वो। नहीं नहीं, मेरा ये मतलब है कि जिस तरीके से आप अपने दोस्तों, लोग हमेशा बोलते हैं दैट व्हेन यू आर इन अ पब्लिक प्लेटफॉर्म आप जैसे हो वैसे ही बन के रहो, राइट, बट ऐसा होता नहीं है, क्योंकि बहुत मेरे साथ हो गया था, बहुत किसी ने छींका गया अभी, बट क्योंकि एसी में सुनते हैं कि छींक अंदर ही घूमती रहती है, ऐसे सुना है। मैं आपको बताऊं सारा, आप अच्छी बात है, बहुत ना एहतियात बरतती हो, लेकिन अर्चना जी, जी मतलब आप बिलीव ही नहीं कर सकते किस हद तक जाती हैं। क्या करती खुद है? गाड़ी चला के आती है वहां से, ड्राइवर वहां से आता है पैदल, वो फिर यहाँ पे आके दूसरी गाड़ी में, देखो देखा पैसा, देखो कितना, ड्राइवर की अलग गाड़ी है, अलग अलग गाड़ी, फिर आके वो इनकी गाड़ी पार्क करता है, फिर ये अंदर जाते हैं वैनिटी में, फिर वो खाली सैनिटाइज करके उनको वीडियो दिखाता है। आप ऐसे क्यों देख रहे हो? नहीं नहीं, पोस्टर पैसा थोड़ी है आपका, प्रोडक्शन ने दिया होगा। नहीं, मैं भी बहुत सस्ती हूँ अपने सैनिटाइजर को लेकर, लेकिन मैं अपना खुद खरीदती हूँ। नहीं, ऐसा होता है कभी कभी, हम दूसरी जगह पे जाते हैं ना, दूसरे का सैनिटाइजर ज्यादा यूज करते हैं। मुझे हमेशा ऐसा लगता है लोगों के बाथरूम में जाके, जब उन लोगों का हैंड वॉश, फिर अगर किसी का बोरो करके लिया परफ्यूम, बेसिकली ये कह रही कि ये चोर है। नहीं, मैं चोर नहीं हूँ, मुझे मुफ्त की चीजें बहुत पसंद है। तो हाथ धोती हूँ मैं। मेरी सारी जुतियाँ मुफ्त की होती थी, वरुण मुझे हमेशा बोलता था कि इतनी जुतियों की फोटोज क्यों डालती है इंस्टाग्राम पर, मैं उसे टैग भी करने लगी। हाँ। क्योंकि मतलब मजाक उड़ाता था मेरा, क्योंकि बहुत जुतियाँ टैग करती थी, कोई और गुस्सा होता था। हाँ, तो छोड़ना, वो तो दिन गए, अब कोई नहीं होगा। जो होटल में छोटे छोटे एक और ताली इसमें तो बनती है, अब हम आपको छू सकते हैं। I got a stitch. क्या हो रहा है? Take me home. No, I mean send me home. I haven't been out. I'm so sorry. I'll behave. Okay. कट लेने? New chance. No, I'm good. ये takes. जब हम लोग shooting कर रहे हैं, genuinely सारा ये करती है. शूटिंग अगर कोई परेश जी ने कुछ फनी लाइन बोल दिया, बीच में ऐसे ये रिएक्शन हो जाते हैं हंसने के, और हम लोग सब रुक के ऐसे खाली देखते हैं। परेश जी मतलब बिगनिंग में डर गए थे इससे थोड़ा, पर ये फनी था ना, मतलब मुझे याद नहीं है। ओए 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 ओए, सारा और वरुण एक साथ। सनी साहब थैंक यू वेरी मच, आपने हमारी क्रिसमस कमाल बना दी। हाँ, और तुम दोनों को देख के जो उनका नया साल खराब हुआ उसका क्या, ये क्या कर रहे थे तुम लोग? हम इंग्लिश में डांस कर रहे थे, हिंदी में हम नाच रहे थे, संस्कृत में हम नृत्य कर रहे थे, आगे बात समझ में जब किसी और भाषा में भी उल्लेखन किया जाए। अरे पंजाबी में तो समझा, उसे वही समझ में आती है। अच्छा, चार भाषाओं में इसने बता दिया। हाँ। डांस एक भी भाषा में सही नहीं हुआ। अरे वो तो ये बताएंगे ना, हेलो सारा, हेलो वरुण, हेलो, ये जो हमने थोड़ा सा डांस किया ना, उसी कोरियोग्राफी मैंने की थी, मायसेल्फ भूरी। भूरी? हिम्मत तो देखो, ऐसा गंदा डांस करके नाम भी बता रही है, तुझे रेट्रो बनने की क्या जरूरत है, पहले रेट्रो वाली है। वरुण सर, इसे हमारे डांस की कदर नहीं है, इसीलिए इससे देखा नहीं जाता। हाँ, नहीं तो आप कभी हमारे प्राइवेट इवेंट्स पे आके देखिए, लोग 2,000-2,000 रुपए देकर जाते हैं, इसकी तो एंट्री बैन है उधर। प्राइवेट इवेंट भी आपको बताऊं कौन से होते हैं, जिनके बच्चे नहीं होते घर में, ये दोनों चले जाते ढोलकी लेके।
और तब तक नाचते हैं जब तक वो सामने वाला 2000 नहीं देता। एक बार तो एक आदमी इतना कंजूस मिल गया, उसने पैसे निकाले नहीं, ये 5 साल तक नाचते रहे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।